नमस्कार, अजणा नायकर आउ एक अध्यायक स्वागत करुच्ची मु स्मिता। भारतर स्वाधीनता संग्राम शौर्य और त्यागर एक अमर गाथा। एही संग्राम रे ओडिशार अवदान थिला खूब गुरुत्वपूर्ण। भारतर मुक्ति संग्राम ऊनविंश शताब्दीर तृतीय दशक आरंभ होता। हेले एबे भी संग्रामी को तार उचित सम्मान मिलनी। जहाँ मिली केवल हाथ गणती केतोटी संग्रामी को पाखरे सीमित रही। अजणा स्वाधीनता संग्रामी मध्यरु किछि जन को आम मन पकाइछु। सेमानंक वीरत्वर कहानी आपणक पाखरे पहुंचाइछु, जहाकू केवल आमे कि आपण नुहे सारा देश कहे स्वाधीनता संग्राम रो अजणा नायक। ब्रिटिश गोलाम हेबे बोली सी दिने नेइथिले वज्र शपथ, फिरिंगी को कर देबी नाही। एक कथा कही सी आह्वान करिथिले से समय रो ब्रिटिश सरकार को। जयपुर राजांको मुठादार रु साजिथिले 36 मौजार राजा। बाहुबल को नहीं नुहे, देश प्रेम को नहीं, उच्च आसन रे बसिबा पाई नुहे, दलित निष्पेषित प्रजाकुलर हित पाई। मालकानगिरी माटीर से ही अपरिचित वीर जहांको पाई दिने ब्रिटिशर निद हजि जाइथिला, पड़िया ब्लॉक केंडापल्लीर वीर तामाडोरा। शहे अशी वर्ष तलर एक घटना। पड़िया ब्लॉक पुशुगुड़ा ग्राम पंचायत अंतर्भुक्त कुंडापल्ली, जहाँकि एवं कालीमेला ब्लॉक अधीन को चली जाइछि। सही पुशुगुड़ा ग्राम रे जन्म नियंती जने जगजन्मा पुरुष तम्मादोरा। जन्मस्थान कुंडापल्ली हेले कर्मभूमि थिला पड़िया, एठो ही संग्राम आरंभ होइथिला। इंग्रेज माने ब्रिटिश मान सहित फाइट करुले, सहित आम गाँव रुठादार पटीदोरा बोली थिले आमर जेजे तांके सहयोग करके इंग्रेज मान सहित लड़े करुले। से आसिक तमादोरा जो कोंडापल्ली ग्राम आसिक आम घर रोते, आम घर आसिक रहा बेलू ब्रिटिश मैंने आसता आसला से यू जा जंगल लुचिते नाँ मत गोटे कोंडापल्ली कुर्पी बोली गोटे गाँ पहाड़ अच्छी से रोते। जितेबले तमादोरा ब्रिटिश मान को अत्यधिक करपाई डिमांड करुले, से तमादोरा मना कले, मना कला से आसी आम पटीदोरा पागे रे आम पड़ियाटार 6 किलोमीटर कुर्ती पागे आसला बेलू पुलिस मान को 4 जन मारद। तमादोरा जहाँ को आखपाख लोके पिला बेलू भीमा नाम डाकुले। तमादोरा जयपुर राजांकर मुठादारा, से समय प्रजा मानंक ठारू कर आदाय करी जयपुर राजांक पाखरे पहुंचाउथिले। परे जयपुर राजांकु ब्रिटिश तांक अधीन को नै जानती ओ प्रजा माने देउथिबा कर सबुकु निजे ग्रहण करंती। तमादोरांक मनरे एई ठारू ही आरंभ हुए विद्रोह। कहंती आम इलाकार आमे मालिक, जंगल द्रव्य सबु आमर, आमे कण पाई ब्रिटिश को एथिपाई कर दबु। अंततः मुथिबा जाय एहा होई पारिबनि। हेले केमिति राजा तो चाहूछंती ब्रिटिश कर नेउ, ताहाले ना असंभव, मुहि हेबि ए 36 खंड इलाकार राजा। एमिति एक संकल्प नै निजकु राजा घोषणा करंती तमादोरा। तमादोरा जने प्रचंड स्वाभिमानी व्यक्ति थिले। से इंग्रेज सरकारंकर अत्यधिक खंजणा आदाय को विरोध करथिले एवं विरोध कर सी शेष अन्न्य मुठादार मैंने सरेंडर कर तार व्यतिक्रम व्यतिक्रम थे। से निजकु निजे एक मोटू पड़िया अंचल रजा बोली घोषणा करदे। से रजा बोली घोषणा करने इंग्रज मैंने उत्क्षिप्त हो पड़े और तत्कालीन पुलिस अधिकारी फॉरेस्टर गार्ड और सरकारी कर्मचारी मानक लग मुठादार अंचल जोर दब जबरदस्ती खंजणा आदाय कले। एवं केवल खंजणा आदाय नुह, झीओ बोहू मानक उपरे पाप दृष्टि नजर भी सीने पकेले। एहा कु दृढ़ विरोध करी एई पड़िया माटी रे सर्वप्रथमे तमादोरांकर विद्रोह आरंभ होइतिला। एठाकर जो बाजी वंश कि जो कोटाम वंश कि बालाया वंश एमती जो मैंने अच्छा यही सहयोगी थे, एवं यही मानक धरी
तामा द्वारा प्रथम पड़िया क्यांप दुईज पुलिस कनेस्टबल को हत्या कले एवं तापर जिते बड़े मोटुरु घोड़े इन्स्पेक्टर और दस आठ सहयोगी आसिले से पड़िया ठू दुई किलो तीन किलोमीटर दूर कुर्ती नाल पहाड़ निकटने से इन्स्पेक्टर को हत्या कले आउ चारिज पुलिस कनेस्टबल को हत्या कले अन्य किसी खसिक पलैले ए संवाद द्रुत बेगरे माड्रास प्रेसीडेन्सी और हैदराबाद पहुँचला और तामादोरा से समस्त कोईया मानक एक्जुट कर सारे ये कोईया विद्रोह को दमन करने इंग्रेज सरकार कर्नेल मकवेड को मालकानगिरी अभिमुखे प्रेरण करते जयपुर रजा एवं ओडिशा पुलिस आंध्रा पुलिस समस्ते एकत्रित पड़िया एवं मोटु अंचल को घेरी जाते दामादोरा उपाय नपाई अनेक कोईया व्यक्ति भी मृत्युवरण करनेक भी शहीद होती इतिहास ना ना कि मौखिक भाव अंचल जनसाधारण शुणा को मिलू परिशेष जन्मित गाँ कोंडापाली की पलाई थे सेठारु बचा से निकट मोटु निकट रंफा जंगल गुड़ कर निर्मम भाव इंग्रेज सरकार हत्या करें भारत मातार जड़े योग्य सतान शहीद होता और ये देश मातृकार सेवारे निजर जीवन को विसर्जन देता दामादोरा प्रजा मान कर संग्रह करी पैठ करूना एक जयपुर राजा ब्रिटिश कानरे पड़े जयपुर राणी दूत मध्यम राजबाटी को डका जाए दामादोरा हेले दामादोरा राजबाटी को जीवाक मना कर दिंती कहती जे इंग्रेज अधीन मुताकु राणी बोली संबोधन करी एठु आरंभ हुए ब्रिटिश बर्बर कांड जहाँ को पारंती तांकु माड़ मारंती जहाँ पारंती ताहा उठाई नियंती एमिति कि कोया संप्रदायर झियो बहुंको उपरे मध्य खराप नजर पकांती खबर पहुंचे दामादोरांक पाखरे प्रतिशोध परायण होई उठंती दामादोरा एवं सहयोगी मानंक सहित मिसी दुई जन सिपाही को मारि दियंती परे परे जने इन्स्पेक्टरंक सह आउ दुई जन कांस्टेबल को मध्य मारती कथा क्षिप्र गति में पहुंची जाए ब्रिटिश निकट में हैदराबाद ऑफिसर क्लोनेड मैकूड तंकर सहे सिपाही को धरी पड़िया अंचल पशि मार्च करती दामादोरा रंफा जंगल भितर को चली जानेक छकापंछा अनेक गरिला युद्ध शेषे ब्रिटिश विशाल सैन्य जयपुर राजा एवं ओडिशा पुलिस मिलित आक्रमण भारी पड़गला दामादोरा रंफा जंगल रे चारिपटु घेरीगले तीन बाहन दामा को गुड़बिद्ध कर पोड़ीदे यू सरीगला मालकानगिरी जड़े वीरर जीवन नाटिका हेले यू आरंभ है विद्रोहर बह्नि इंग्रेजों विरोध में विद्रोहर बह्नि इंग्रेज सरकार सहित युद्ध करते से तमाया द्वारा 36 गाँव को नहींकना से राजा पूरी से गाँव मानकर जाए पूरा गाँव मानक जाए गोटे लोकंर सुविधा असुविधा थे भी जाकना लोक मन को साधारण बुझाऊ लोक मानकर इंग्रेज समस्त सब 36 गाँव रानकर ना जाक अच्छे छत्तीसगढ़ गोटे एराबोर सोया मालदोरा आम ओडिशारे अच्छे मालावारम से गोटे फोई फोई बोली कहते कईकुंडा गाँव रही सेमल ताको गोटे ना दे तीन टा गाँव रे से बड़ बड़ नेता थिबारो तमाइदोरा को सपोर्ट करुले कौन सी असुविधा से तमाइदोरा डाकिले से तीन जन आसुले कहवाटा कौन सर आम आम दादू आम बड़ बापा आमको कही थी आम से कथा जानी
बड़ पहाड़ घेरा मालकानगिरी ये एक नुआ इतिहास घटना 180 वर्ष तलर हेले एजाए स्वाक्षरित तो होइनी प्रमाण तो अनेक रही एक बलिष्ठ प्रमाण है मृत्यु पूर्वर तम्मा दोरा जो सहयोगी घरे अस्त्र रखि जाते से अस्त्र एबे भी अच्छी तम्मा सहयोगी उत्तरदायद से बंधुक आउ अन्य मारणास्त्र आनी देखुची आउ निजकु प्रश्न करुची केवल सहयोगी उत्तर पीढ़ी नुहंती तम्मा उत्तर पीढ़ी मनरे मध्य प्रश्न केबे लोकलोचन को आसीबे तम्मा दोरा केबे से स्वाधीनता संग्रामी परिचय पाइबे ए प्रश्न केवल तम्मा दोरांकर नुहे ए प्रश्न आज ओडिशा रे तथा भारत रे थिबा सह सह स्वाधीनता संग्रामींकर जो मानंकर आज परिचय नाही माने ही स्वाधीनता संग्राम अजणा नायक देश को स्वाधीन करिबा पई इंग्रेजों सहित लड़ई करितिबा सही स्वाधीनता संग्रामी हेउचंती जाजपुर जिला बरीर गोविंद सामल से निज खुड़ी सुशीला देईंक ठारु देश सेवार प्रेरणा पाइले ओ गोपबंधु चौधरी और रमादेवी संस्पर्शे आसी खदी और स्वाधीनता संग्रामी कार्य बहु समय देउथिले गांधीजी हरिजन पदयात्रा रे जाउथिला बेले तांकु देखिबा परे तांकु ठारु अनुप्राणित होई इंग्रेजंक विरुद्ध रे लड़ाई आरंभ करथिले स्वाधीनता संग्रामी गोविंद सामल 1934 मसिया मे मास 30 और 31 तारीख रे गांधीजी हरिजन पदयात्रा धुआंतरु बरी होई जाजपुर जाइथिले से समय रे हजार हजार स्त्री पुरुष छात्र छात्री सड़क रे गांधीजी को देखिबा पई छिड़ा होइथिले हुळहुळी हरिबोल शंख शब्द रे कंपि उठुथाए तांकर उज्ज्वल भावमूर्ति देखि से प्रभावित होइतरे 1942 मसिया रे भारत छाड़ डाक करा दिया गला तार प्रभाव सर्वप्रथमे बरी अंचल रे पड़िला अन्नपूर्णा महाराणा को नेतृत्व रे बरी अंचल रे बहु संग्राम होइतला सेथिरे गोविंद सामल सक्रिय अंशग्रहण करथिले निजे भार करी खदी नै गाँ मानक बुली बुली बिक्री करबा सहित 500 जन पर्यंत कांग्रेस रो प्राथमिक मेंबर कराइथिले इंग्रेज विरुद्ध रे सभा करबा को निज बेकरे ढोल पकाई डुंगुरा देउथिले विशेष करि अस्पृश्यता विरुद्ध रे काम करि हरिजन घरे खाउथिबारु ताको परिवार को ब्राह्मण बारिक पसंद करथिले जेउति पई से निज झियो घर को भार करि खई उखुडा और नुआ लुगा नै जाइथिले मौलिक शिक्षा पई निजे जमीदान करबा सहित अन्य मानंकु प्रवर्ताई जमीदान कराइथिले 1942 मसिया भारत छाड़ आंदोलन रे जोगदेही 9 मास जेल जाइथिले और विभिन्न गाँव में निशाप माध्यम रे कलिगोल भांगिबा एवं एकता आणिबा को से सब बेले चेष्टा करथिले गोपबंधु चौधरी रमादेवी तांको आश्रमटा एठु आम घर पाखरु मात्र 200-300 मीटर भितरे एना ब्राह्मणी बा पाखरे तांको आश्रम थिला सेठी सेमान रहउथिले अन्नपूर्णा महाराणा शरत महाराणा आउ रमादेवी समस्ते रहउथिले तेणु आम गाँ उपरे बहुत प्रभाव पड़ा गोविंद सामल से समय से जड़े खाली स्वाधीनता संग्रामी नथिले स्वाधीनता आंदोलन तो जोग देथिले कारावरण भी बहुबार करथिले किंतु तांर मुख्य काम थिला अस्पृश्यता निवारण गांधीजी जो 18 रचनात्मक काम थिला निशा निवारण अस्पृश्यता निवारण कुटीर शिल्प ये भितरे से अस्पृश्यता निवारण कार्यटा को बेसी गुरुत्व देथिले तांतो हमरो महात्मा गांधी संस्पर्शे आसते आ गोपबंधु चौधरी संस्पर्शे आसते रमादेवी शरत महाराणा अन्नपूर्णा महाराणा आउ प्राय से समय जिते सब विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी थे साथी से सब कम करते समय से 9 मास जेल जाते आर मुख्य से जो समय भूदान कम करते जो से समय अस्पृश्यता थी से अस्पृश्यता विरोध में कार्य करते आम एठिकार हरिजन बस्ती रे से निजे जाइकी भोजन करते फल ग्रामर से एक हरिका हबार देश स्वाधीनता पाइला विभिन्न समय प्रार्थना सभा सद्ग्रंथ सूत्रयज्ञ और महापुरुष मान महत् कार्य गुण और जीवन आलोचना कराई बरी अंचल सर्वत्र परिचित थिले गोविंद सामल तांको परिवार रे समस्ते गांधी काम और तत्पादक शरीर श्रम को व्रत मन करथिले शेष जीवन रे से ओ तांको पत्नी अलेख धर्म ग्रहण करथिले जून 5-1982 मसीहार रात्रि रे भयंकर बात्या रे घर कांथ तांको ऊपर पड़िला ओ से प्राण हराइथिले सेतेले सब जो जाति भेद सब रहिथुला
ଯେଉଁପାଇଁ ଜାତିଭେଦକୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରିକି ସେ ହରିଜନ ସାହି ମିଟିଂ କରିକି ହରିଜନ ଘରେ ସେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁପାଇଁ ଗାଁରେ ବି ଏକ ହରିକା ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଆମର ସିଂହ ଘର ଏଇଠି ଆମର ଘର ପାଖରେ ତିନି ଘର, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଖାଉନଥିଲେ, ଇଏ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇକି ସେମାନେ କିଛି ଜମି ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସାଆନ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସେ ଜମି କିଛି ମାଣେଖଣ୍ଡ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଥିଲେ। 82 ମସିହାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଠୁ ମୋ ବାପା ଜେଲ୍ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ସାଆନ୍ତ ଥିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଇଁ ରିସିପୁରେ। ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇକି ସେ 8 ମାସ ରହିଥିଲେ ଜେଲ୍ରେ 42 ମସିହାରେ। ତା ଆଗରୁ ଥରେ 3 ମାସ ବି ରହିଥିଲେ କ'ଣ ଜେଲ୍ରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିଶେଷ କରି ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଯିଏକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜନସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଡାକରା ଆସିଲା ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋ ଦେଖିବାରେ ସିଏ ବହୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଜନସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସମଲଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନପୁର ମାଟି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ପାଇ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏନ୍ତୁଳି ସାଳ। ଏହି ବ୍ଲକର କାଇପଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପୋଡ଼ି ଓ କଳାମାଟିଆ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ 4 ଜଣ ଶହୀଦ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରି ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ମାଟି। ମାଟିରେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ। ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିବା ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜେଇଟିଓର ବ୍ରଜକିଶୋର ଧଳ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖି ଇଂରେଜ ସରକାର ଦିନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଥିଲେ। ଆମ ସ୍ମରଣରେ ପୁଣି ସମ୍ମାନରେ ଆଜି ସେହି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କାହାଣୀ। ବ୍ରଜକିଶୋର ଧଳ 1912 ଏପ୍ରିଲ 13 ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗଞ୍ଜେଇଡିହ ଗ୍ରାମରେ ପିତା ଭୋଳେଶ୍ୱର ଧଳ ଓ ମାତା ଜହ୍ନାଦେବୀଙ୍କ ଅରୋସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 5 ଭାଇ ଓ 1 ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଇଂରେଜୀ ଶାସନ ଓ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମରତ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବକ ବ୍ରଜଧଳ ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1932 ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦେଶ ମାତୃକା ସେବା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ 3 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଥିଲେ। 1938 ଉଭୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ପାଇକ ପୁଅ ବ୍ରଜଧଳ ଛଦେଶ ଲାଲ ବାହିନୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଓ ତା'ର ଦଳପତି ହୋଇଥିଲେ। 1938 ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସମୟରେ 8 ନଭେମ୍ବର ସେ ବାଙ୍କୀ ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ। 6 ଦିନ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଜେଲ୍କୁ ନିଆଗଲା। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ। ସିଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ରଜାଙ୍କର ଏଇଠି ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀ। ଯତ୍ନନଗର ତା'ର ମୁଖସାକ୍ଷୀ, ଯତ୍ନନଗର ତା'ର ମୁଖସାକ୍ଷୀ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଘରଦ୍ୱାର ଏଠି ନଥିଲେ, ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଘର ଅଛି ସେଠି ଥିଲେ। ଏ ରଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର କାହାଣୀରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହେକଡ଼େ ତେଗିରିଆ ଡେଇଁକି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ତପହରା ଗାଁରେ ସେ ଜାଗାଟି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଜାତୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇକି ଥିଲେ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କାହାଣୀ। 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ 18 ଅଗଷ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ 8ଗଡ଼ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ପୁନର୍ବାର ସେହି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜେଲ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଗଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକ ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଗଡ଼ଜାତ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ବେଶ୍ ରହିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଢେଙ୍କାନାଳର 6 ଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ।
6 ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ବାପା ଭୋଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା 6 ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରଜକିଶୋର ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ 6 ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ହଁ, ବ୍ରଜଧଳ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା ତାର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳର ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଦୂରେଇ ଦେହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୋଳେଶ୍ୱର ଧଳ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମହତ କାମ ଥିଲା ସେ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପୈତୃକ ଜମି ତାକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ନିଜର ଜମି ସହିତ ମିଶାଇ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଗଢ଼ା ହେବା ଫଳରେ 6 ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପିଲା ଯାହା ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଇ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିପାରିବା। ବ୍ରଜକିଶୋର ଅଭିଭୁକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ। 1961 ମାର୍ଚ୍ଚ 4 1967 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ। ପାଇକ ପୁଅର ଚାହାଣୀ, କୁହାଟ, ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନାରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ଓ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବ। ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଓ ବଳିଦାନ ପରେ ବି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେମାନେ ହକ୍ ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅଜଣା ନାୟକରେ ସେଭଳି ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ତ ଶେଷ ହେଲା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।